आज डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा फिरोजाबाद दौरे पर रहेंगे, जिसके दौरान डिप्टी सीएम पुलिस लाइन से दोपहर 12:50 पर शिरोहाबाद के रामलीला मैदान पहुंचेंगे, जहां डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जन विश्वास यात्रा और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है और इस वक्त हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं फिरोजाबाद की एक विधानसभा है सुखाबाद। सुखाबाद 2022 का चुनाव है और सत्ता का चुनाव है। सत्ता के चुनाव के साथ यहाँ डिप्टी सीएम का दौरा है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा यहाँ 12:20 पर यहाँ उपस्थित होंगे, उसके बाद एक सभा को संबोधित करेंगे। सभा को संबोधित करने के बाद एक जन विशाल योजना यात्रा यहाँ निकाली गई है, उसके साथ साथ यहाँ व्यवस्थापक भी मेरे साथ मौजूद हैं और बताएंगे किस तरीके की व्यवस्था। आज जन विश्वास यात्रा के तहत हमारे मुख्य अतिथि आज के मुख्य वक्ता के रूप में माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ मौजूद रहेंगे। वो इस जनसभा को संबोधित करेंगे, मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में, प्रदेश सरकार में योगी सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में आम जनमानस को बताएंगे। योजनाओं की बात कही जाए तो योजनाएं तमाम सरकार की योजनाएं हैं और योजनाओं के साथ साथ यहां बहुत बड़ी योजनाओं का भी लोकार्पण भी करेंगे और सारी समस्याओं को बताते हुए यहां एक बहुत बड़ी जनसभा है। जनसभा रामलीला ग्राउंड सुखाबाद में रखी गई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।